एनिमल किंगडम में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद हैं, जो अपने शारीरिक बलबूते के चलते जंगल की दुनिया पर राज करते हैं। उन्हीं जानवर में से एक नाम राइनोस का भी शामिल है, जो अपने मजबूत कदकाठी के कारण जंगल में अपना खौफ कायम रखता है। ये जंगल में घूमता फिरता एक ऐसा आतंक है जिसका गुस्सा किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। यही कारण है कि जंगल के बाकी जानवर इससे उलझने में थोड़ी कम दिलचस्पी दिखाते हैं। आज हम आपको राइनोस के कुछ ऐसे ही हैरतअंगेज हमले दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं राइनोस के कुछ बेहद ही खतरनाक हमलों की तरफ। राइनो वर्सेस वार्थॉग। राइनो जंगल का एक ऐसा जानवर है जिसका स्वभाव बेहद ही गुस्सेल होता है। इसका गुस्सा कब आसमान चढ़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके गुस्से का एक ऐसा ही नजारा आप इस क्लिप को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ खुले मैदान में एक राइनो घास खा रहा है और उसके साथ कुछ वार्थॉग भी यहाँ मौजूद रहते हैं। ये वार्थॉग इस राइनो के पास ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे ये कोई मामूली जानवर हो। शायद इन वार्थॉग को ये नहीं पता कि जिस जानवर के आसपास वो इतना बेखौफ घूम रहे हैं, उसका सिर्फ एक हमला ही उन्हें मौत की नींद सुला सकता है। तभी एक वार्थॉग राइनो के काफी करीब आता है और उसके पास रखे हुए घास को खाने के लिए धीमी कदमों से आगे बढ़ता है और फिर राइनो से थोड़ा दूर रहकर उस घास को खाने लगता है। इसे देखकर एक दूसरा वार्थॉग भी राइनो के पास रखे घास को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही राइनो का गुस्सा आसमान चढ़ जाता है और फिर वो उस वार्थॉग को हवा में उछाल कर पटक देता है। राइनो का हमला इतना तेज था कि वार्थॉग पूरी तरह जमीन पर लेट जाता है। वैसे राइनो के गुस्से का एक जबरदस्त नमूना आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं, जहां सड़क पर चल रही एक कार को रोकने के लिए राइनो तुरंत ही दौड़ लगा देता है और इस कार पर अपने सिंग से जोरदार टक्कर मारता है। राइनो का हमला इतना जबरदस्त था कि एसयूवी कार पूरी तरह से हिल जाती है और इस कार के अंदर बैठा शख्स इस गाड़ी को रोक देता है। राइनो इस गाड़ी पर तुरंत ही दूसरा हमला करने की भी सोचता है, लेकिन इस बार गाड़ी में बैठा ड्राइवर गाड़ी को पीछे कर लेता है और फिर मौका पाकर वहां से भाग जाता है। राइनो वर्सेस वाइल्ड डॉग। राइनो का खौफ जंगल में इतना ज्यादा है कि इसे टकराने की ताकत शायद ही किसी जानवर में मौजूद हो, क्योंकि सबको पता है कि राइनो के नुकीले सिंग उसे बीच से फाड़ने के लिए काफी हैं। इसी डर से जंगल के सारे जानवर उससे दूरी बनाकर ही रहना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में जंगली कुत्तों का झुंड राइनो से टकराने की गलती कर बैठता है। तब राइनो उसका क्या हश्र करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ जंगली कुत्तों का झुंड एक राइनो को शायद घेरने की कोशिश में लगे हैं और थोड़ी दूर पर रहकर उसे घूरते रहते हैं। लेकिन इन कुत्तों के मन में राइनो का एक डर भी मौजूद है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारी भरकम शरीर वाला ये जानवर कभी भी उन पर भारी पड़ सकता है। इसलिए वे इसके पास आने की जरा भी हिम्मत नहीं दिखाते और दूर खड़े रहकर ही इसे घूरते रहते हैं। वहीं राइनो भी इन कुत्तों को सबक सिखाने के लिए धीमी कदमों से इनके करीब पहुंचता है और फिर देखते ही देखते इनके पीछे दौड़ लगा देता है। राइनो के अचानक दौड़ते ही ये सारे जंगली कुत्ते यहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते फिर से झुंड में जमा हो जाते हैं। लेकिन राइनो भी आज इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसे ही ये जंगली कुत्ते इसके सामने फिर से जमा होते हैं, ये उन्हें तेजी के साथ दौड़ाने लगता है और ये कुत्ते यहाँ से भाग खड़े होते हैं। राइनो वर्सेस लायन। राइनो का शिकार करना कितना मुश्किल है, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह सारे जंगली कुत्ते मिलकर भी एक राइनो का शिकार करने में असफल रहते हैं। वहीं अब इस वीडियो में दो शेर और एक शेरनी मिलकर एक राइनो का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या राइनो इस बार भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगा, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पानी में फंसे एक राइनो को देखकर दो शेर और एक शेरनी इसके पास पहुंच जाते हैं और इसका शिकार करने के लिए जल्द ही इसके करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही एक शेर इसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, तभी राइनो अपने सिंग से डराकर उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद ये तीनों इससे थोड़ी दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राइनो जैसे ही इस पानी से निकलने की कोशिश करता है, तभी एक शेर उसकी पीठ को पकड़कर नोचने लगता है, जिसके बाद राइनो भी तुरंत ही उसे अपनी पीठ से गिरा देता है और सामने खड़े दूसरे शेर को दौड़ाने लगता है। हालांकि ये तीनों इस राइनो को घेरने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन राइनो का आत्मविश्वास
इतना ज्यादा है कि जल्द ही ये उन्हें खदेड़कर उनके मंसूबे पर पानी फेर देता है। वैसे राइनो के इस आत्मविश्वास को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि लगभग 2 से 5 टन वजन वाला ये जानवर कितना खतरनाक हो सकता है। भले ही इस जानवर को जंगल का राजा ना कहा जाता है, लेकिन ये जंगल के राजा शेर को रास्ता छोड़ने पर मजबूर तो कर ही देता है, जैसे कि आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं, जहां 2 राइनो जंगल में बेखौफ होकर घूम रहे हैं और उनके सामने एक शेर और एक शेरनी सोए हुए हैं। इन दोनों राइनो को चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सामने से कोई मौत चलकर आ रही हो, क्योंकि एक तो इस राइनो का मोटा शरीर इसे काफी मजबूत दिखाता है और ऊपर से इसके नुकीले सिंग इसके लुक को और भी खतरनाक बनाते हैं। ये दोनों राइनो अपने इसी खतरनाक लुक के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इस सोए हुए शेर को किसी के आने की भनक मालूम पड़ती है, जिसके बाद ये इधर उधर देखकर फिर से सो जाता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों राइनोस इन दोनों के थोड़े करीब पहुंचते हैं, तभी ये दोनों शेर और शेरनियां नींद से जाग जाते हैं और अपने सामने 2 खूंखार राइनोस को देखकर यहां से भाग खड़े होते हैं। राइनो वर्सेस चीता। चीता जंगल का एक ऐसा फुर्तीला जानवर है जो किसी भी जानवर को मिनटों में मारने की ताकत रखता है, लेकिन इस वीडियो में इसकी हालत थोड़ी टाइट होने वाली है, क्योंकि इसका मुकाबला एक ऐसे जानवर से होने वाला है जिसका वजन लगभग 2000 किलो से लेकर 3000 किलो के बीच होता है, यानी कि चीता यहाँ एक राइनो से भिड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ चीता के 2 बच्चे राइनो से भिड़ने के लिए जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी राइनो उनमें से एक चीता को डराकर वहां से भगा देता है, लेकिन दूसरा चीता अभी भी राइनो के पास ही रुककर उसके ऊपर गुर्राता रहता है, जिसके बाद राइनो उसे भी जल्द ही वहां से खदेड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चीता भी इतनी जल्दी हार मानने वाले जानवरों में से नहीं है। इनकी गिनती दुनिया के उन जानवरों में होती है जो किसी भी जानवर के आगे झुकना नहीं जानते हैं। अपने इसी जिद्दी स्वभाव के कारण चीता इस राइनो के ऊपर अपना डर दिखाने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार राइनो इन्हें यहाँ से खदेड़ कर ही दम लेता है। राइनो वर्सेस बफेलो। इस वीडियो में राइनो एक ऐसे जानवर से भिड़ने वाला है जो अपने गुस्सैल स्वभाव के साथ साथ अपने सिर पर लगे सिंह के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम यहाँ एक भारी भरकम शरीर वाले भैंस की ही बात कर रहे हैं जो इस वीडियो में एक राइनो के साथ भिड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस खुले मैदान में भैंसों का एक विशाल झुंड एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं, तभी थोड़ी ही दूर पर खड़े एक भैंस की भिड़ंत एक राइनो से होती है, जिसके बाद भैंस अपने सिंह से इस राइनो को पीछे धकेलने लगता है। थोड़ी देर तो राइनो इसके हमले से थोड़ा कमजोर तो जरूर दिखता है, लेकिन तुरंत ही अपने नुकीले सिंगों की बदौलत इस भैंस को जमीन पर पटक देता है और बेचारी भैंस पूरी तरह धराशायी हो जाती है। लेकिन राइनो का हमला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। जैसे ही ये भैंस दोबारा उठने की कोशिश करती है, वैसे ही ये राइनो इसके पेट पर अपने नुकीले सींग गड़ाने लगता है और इस भैंस को मैदान से बाहर का रास्ता दिखा देता है। राइनो वर्सेस राइनो। अभी तक आपने देखा कि किस तरह राइनो जंगल के बाकी जानवरों के लिए कितने खतरनाक साबित होते हैं, लेकिन इस बार राइनो जंगल के बाकी जानवरों के बजाय खुद से ही लड़ने लगते हैं और इन्हें आपस में लड़ते देखना बाकी में काफी दिलचस्प होगा। इन सुनसान जंगल में 3 राइनोज मौजूद होते हैं, जिनमें से 2 बड़े राइनो और 1 छोटा राइनो होता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों बड़े राइनोज एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ जाते हैं और अपने नुकीले सींगों से एक दूसरे को धकेलने लगते हैं। इन दोनों राइनोज का हमला इतना जबरदस्त है कि थोड़ी ही देर में जमीन पर पड़ी धूल हवा में उड़ने लगती है और फिर ये दोनों राइनोज इस धूल में कहीं खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये धूल से बाहर निकलते हैं, ये एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते हुए नजर आते हैं। काफी देर तक इन दोनों राइनोज की लड़ाई का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे ही हमला करते रहते हैं। लेकिन इनकी इस जबरदस्त लड़ाई को देखकर इतना तो साफ है कि जंगल में मौजूद ये दानव गुस्सा आने पर अपने ही नस्ल के जानवर को मारने से भी पीछे नहीं हटते और यही कारण है कि राइनोज को जंगल का एक बेहद ही खतरनाक जानवर माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे राइनोज के कुछ बेहद ही खतरनाक हमले, जिसे देखकर आपको भी ये अंदाजा लग चुका होगा कि मजबूत कद काठी वाले ये गेंडे कितने खतरनाक होते हैं। अगर ये जानवर अपने पर आ जाएं, तब तो मानो जंगल में कोहराम मचना तो तय है।
वैसे आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे घातक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।